सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जोराराम कुमावत ने एक निजी हॉस्टल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी जीत पर भरोसा जताया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जोराराम कुमावत ने अपने विधायक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताकर भावी योजनाओं की जानकारी दी। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रत्याशी जोराराम कुमावत कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार पर कांग्रेस सरकार नंबर वन रही। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक मदन राठौड़ मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे गांव है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन स्वीकृत का है, नए भवन, और वो भवन भी बन रहे हैं और दो जगह तो बन गए और एक जगह बन रहा है। एक जगह नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन भी 4 करोड़ की स्वीकृति कराई सांडेराम ने। तो इस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में भी हमने खूब काम करा है। विधायक को जितना 5 साल में 22 करोड़ 25 लाख रुपए मिलता है और 22 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति हमने पूरी की पूरी स्वीकृति अनुशंसा कर दी और पूरी की पूरी वित्तीय स्वीकृति निकल गई। और सभी गांवों में सभी ग्राम पंचायतें 63 ग्राम पंचायत और 2 नगरपालिका क्षेत्र सभी जगह विधायक कोष के पैसे लगे हैं और आधे से ज़्यादा काम वो भी हो गए। बाकी काम रनिंग में है तो वो भी आने वाले समय में पूरे होंगे।